अशोकनगर से कांग्रेस ने नए प्रत्याशी आशा दोहरे पर दांव लगाया है, जो अपनी सासू की छवि के जरिए जनता के बीच पहुंच रही हैं, जो चार बार से पार्षद हैं। आशा को लगता है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे से बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। अशोकनगर विधानसभा में यहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा। दिलचस्प यह है कि जिनको 18 महीने पहले कांग्रेस के नाम पर वोट दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहां नई प्रत्याशी मैदान में उतारी, आशा दोहरे, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ी रही है और आपकी सासू यहां लगातार 3 बार पार्षद रही है। आशा जी 5 बार पार्षद रही है और उसके बाद से 5 बार तक चुनाव लड़ी, 4 बार लगातार पार्षद रही, तो निश्चित रूप से जनता से जीवंत संबंध है। और इसी संबंध के आधार पर पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं तो हमेशा नाम चलता रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस बात को समझा है और जसपाल जज्जी के साथ इस बार आशा दोहरे दिखाई देंगी। आशा जी स्वागत है आपका, और क्या कहेंगी, नया नया चुनाव आपके लिए, लेकिन आपने चुनाव लड़ते हुए अपनी सासू जी को देखा है, माता जी को देखा है, क्या अनुभव रहा और अब जब जनता के बीच में जा रही है तो कैसा होता है चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मम्मी जी को मैंने हमेशा चुनाव लड़ते हुए देखा है और मम्मी जी चुनाव लड़ने के बाद ये भूल जाती हैं कि किसने मुझे वोट दिया और किसने मुझे वोट नहीं दिया। उनके लिए सारी जनता एक समान हो जाती है, वो सबका कार्य करती हैं। इसी प्रकार मैं हमेशा सब जनता को एक साथ लेके चलूंगी और सबका कार्य करूंगी। जी, लेकिन अब आप जब चुनाव मैदान में जनता के सामने पहुंच रही होंगी, जनता आपसे ये सवाल भी कर रही होंगी कि 18 महीने पहले तो हमने आपको वोट किया था, पंजे पर वोट किया था, लेकिन आप विकास नहीं कर पाए और वो छोड़कर चले गए। जी देखिए, सबसे पहले जब मैं गांव में जाती हूँ तो सबसे पहले उनका गुस्सा जाहिर होता है। वो ये कहते हैं कि हम तो पंजे में वोट देते जा रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उनकी बात पहले मुझे सुननी पड़ती है तसल्ली से। उसके बाद जब वो शांत हो जाते हैं तो उनको एक बात समझानी पड़ती है कि देखिए, मैं पहली बार आई हूँ और मैं एक महिला हूँ, महिला किसी को ना तकलीफ देती है ना किसी की तकलीफ सहन करती है, ये बात सही है। तो मैं उनको समझाती हूँ ये वाली बात कि जो चले गए हैं वो धोखेबाज थे और जो उनने किया है वो बहुत गलत किया है, उन्हें आपका कार्य करना था, लेकिन एक बार मेरे ऊपर विश्वास कीजिए तो मैं आगे आप लोगों का काम करूंगी। आपकी बात सुन रही जनता? बिल्कुल सुन रही है। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनका जो गुस्सा होता है वो पूरी तरह से उतर जाता है और वो तसल्ली से ये कहती हैं, बहन जी हम तुम आपको ही वोट देंगे। 18 महीने पहले विकास के नाम पर ही वोट मांगे गए होंगे आपकी पार्टी की तरफ से, इसीलिए उन्होंने चुना था, लेकिन अब जब आप खुद जनता के सामने जा रहे हैं तो कौन से मुद्दों को लेकर जाए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है अपने शहर में कि जो शहर में आदमी परेशान है हर चीज से। सबसे बड़ी बात ये हुई है शहर में बहुत ज्यादा भय का माहौल बना है, गुंडागर्दी यहाँ हुई है, लोगों के ऊपर केस कर लगवाए गए हैं, लोगों को मारा गया है। तो पहला मुद्दा यही है कि मैं अपने शांत से अशोकनगर को, शांत से शहर को पहले की तरह शांत बनाना चाहती हूँ। बाकी के जो भी कार्य होंगे लोगों के वो मैं बकायदा करूंगी, जो मेरे मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र में आते होंगे। वो कह रहे हैं कि 18 महीने में जो काम नहीं हुआ वो शिवराज जी के बनने के बाद एक गंगा बह गई विकास की, आपके भी कुछ काम ऐसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो मतलब के लिए कार्य करता है वो तो जनता देख ही रही है, और पिछले अपने कमलनाथ जी के टाइम पे उनको सारे पावर दिए गए, ये कहो कि सबसे ज्यादा पावर जो विधायकों को मिलते हैं उनसे ज्यादा डबल पावर दिए गए उनको, लेकिन उसके बाद उनने अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे कार्य करे। वो अपने लिए सारे कार्य होते थे उनके, उनके ट्रांसफर होते हैं उनमें जो पैसे खाते थे वो, उसके अलावा लोगों की प्रॉपर्टी में हिस्सा, उसके अलावा रेत खनन का मामला, सब में उनका पास पावर था, लेकिन जनता की सेवा के लिए उनके पास कोई पावर नहीं था। उनका झूठ बोलना जनता को समझ में आ रहा है। लेकिन आपके पास क्या है मुद्दे, जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो यहाँ जो छवि बिगड़ी हुई है अशोकनगर की वो सुधारेंगे, लेकिन कुछ और नजर आ रहा है आपको कि इस शहर में होना चाहिए? देखिए, शहर में तो बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, शहर में सड़कें ठीक नहीं है, शहर में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, शहर में बाकी की और जैसे पार्किंग की सुविधा है, किसानों का जो बीजों के ऊपर जो भी हुआ था वो कुछ भी शहर में अच्छा नहीं है, वो मैं पूरा करूंगी। उसके अलावा गांव की स्थिति भी ठीक नहीं है, गांव में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों के पास सड़कें नहीं है, उनके घर तक अगर कभी कोई बीमार हो जाए ना तो वो ये नहीं कर सकते कि उसे एम्बुलेंस उनके घर तक आ सके। तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा सब उनके लिए कार्य करूंगी मैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है किसानों की कर्ज माफी का, और ये क्षेत्र भी पूरा, चूंकि चुनाव जब हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र भी लगा है, लेकिन कई जगह किसानों की ये दिक्कत है कि कर्ज माफ नहीं हुआ, ये मुद्दा कहीं आपको परेशान कर रहा है?
जी नहीं, कि जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है वो आगे से आके कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ हुआ है। और कोई भी काम धीरे धीरे होता है। 15 महीने की सरकार में जितना हो सका उतना कमलनाथ जी ने किया है और उसका प्रूफ भी दिया है। वो आगे और कर्जा माफ होता, लेकिन हजम नहीं हुई भाजपा को ये बात कि लोगों का भला क्यों हुआ है। वो लोगों का भला होते हुए कभी देख ही नहीं सकते। तो कमलनाथ जी जो प्रयास कर रहे थे लोगों के लिए, उन्हें खटका और उन्होंने सरकार गिरा दी। एक अंतिम आपसे सवाल है, जनता के सामने आप जा रही, जनता आपको क्यों वोट करेगी? देखिए, जनता मुझे इसलिए वोट करेगी, मैंने उनसे साफ साफ कह रखा है, आप अशोकनगर में आइए, मेरे परिवार का काम देखिए, मेरे परिवार में जो भी हो रहा है, मेरी जो सासू माँ है 25 साल से पार्षद हैं, वो काम करती है, उनके साथ साथ हम पूरा परिवार लग के काम करता है। तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, अपने हिसाब से काम करूंगी, तो मेरे परिवार का वो असर मेरे ऊपर भी आएगा। और जिस तरह से मेरी सासू माँ काम करते हुए आ रही है, उसी तरह से जनता की सेवा मैं करूंगी और वही कार्य करूंगी। और उनको पता है, क्योंकि शहर से गांव जुड़ा हुआ है, उनको पता है कि मेरी सासू माँ ने किस तरीके से काम किया है, उसी तरह से मैं विकास के ऊपर चलती रहूंगी, विकास करूंगी, तो मैं मेरे ऊपर वो विश्वास करेंगी। और लोग कहते हैं ये वाली बात कि नहीं, अपनी आपकी मम्मी जी की बात अलग है, तो वो मैं करूंगी। चलिए, मम्मी की बात तो जनता ने खूब देखी है, बोल रही 4 साल तक 4 बार लगातार वो चुनाव जीती, लेकिन अब बहू यानी आशा दोहरे को देखेंगी जनता, जैसा वो कह रही है। लेकिन भले पहली दफा चुनाव मैदान में है, पर परिपक्व जवाब, परिपक्व जनता के सामने अपना मैसेज, तो ये समझ आ रहा है कि आपका चुनाव बड़ा रोचक होगा, क्योंकि जज्जी वर्सेस आशा दोहरे है। लेकिन कौन जनता की आशा पर खरा उतरेगा, इस पर नजर रहेगी। विपिन के साथ मनोज सैनी, आईनी 24, अशोकनगर।